आप सोच के क्या कर सकते हैं? आँख खोल सकते हैं, चल सकते हैं, हाथ पैर मूव कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अगर मैं ये सब काउंट कर लूँ, जो आप सोच के करते हैं वो सिर्फ 1% है आपके बॉडी के सारे मूवमेंट्स का। मतलब 99% मूवमेंट्स अपने आप होती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि उन्हें कौन कंट्रोल करता है, उसके पीछे का मास्टर कौन है? जी हाँ, वो मैं हूँ, आपका मन, आपका माइंड। मुझे समझने वाले हजारों में से कोई एक होता है, लेकिन जो मुझे समझ लेता है वो इतिहास बना देता है। मेरा अस्तित्व उतना ही पुराना है जितना पुराना यह ब्रह्मांड है। मुझे ना समझना ही सारे दुखों का, सारी असफलताओं का मूल कारण है। अगर आप मुझे समझ गए तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अफसोस, इंसान ने इतनी तरक्की कर लेने के बाद भी कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली लेकिन मेरा नाम आते ही चुप हो जाती है। साइंस मुझे ब्रेन समझती है, लेकिन मैं साफ साफ कह दूं, ब्रेन यानी बुद्धि और माइंड यानी मैं, मन, दोनों अलग अलग हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि दोनों में क्या फ़र्क है, मैं हूं कौन और साथ ही मेरे काम क्या क्या हैं, और साथ में मुझे समझ के आप जीवन के दो उद्देश्य यानी कि खुशी और सफलता कैसे पा सकते हैं, दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मेरे अस्तित्व से। मानता हूं कि धर्म, समाज, साइंस, शिक्षा ने इंसान की जिंदगी को सुख, शांति और खुशियों से भरने की पूरी जोरदार कोशिश की है, लेकिन क्या ऐसा सच में हो पाया है? क्या सचमुच इंसान की जिंदगी में सुख, शांति, खुशी आ गई है? मैं तो आज भी इंसान की जिंदगी में गुस्सा, अहंकार, दुख, असफलता, चिंता, तनाव, बोरियत, हिंसा, सब कुछ वैसा का वैसा ही साम्राज्य देखता हूं जैसा आदिकाल से था। मैं हर इंसान में एक जैसा हूं, मैंने किसी में कोई भेदभाव नहीं किया है। थोड़ी ही समझ बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि मैं ही हूं जो आपको चलाता हूं। लेकिन साइंस कभी मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई। साइंस सिर्फ उन चीज़ों पे रिसर्च करती है जो दिखती हैं, या कहूँ कि साइंस सिर्फ टाइम और स्पेस के बीच में आने वाली हर चीज़ पे रिसर्च करती है। लेकिन मैं तो दिखता ही नहीं, मैं तो इन सब से परे हूँ। मैं अपने बारे में अगर एक लाइन में समझाऊँ तो मैं अच्छे बुरे भावों और बुद्धि से हजारों लाखों गुना परिणामकारी कई शक्तियों का केंद्र हूँ। आपके अंदर उठने वाले सारे भावों का केंद्र हूँ मैं। मेरे उपद्रव, अगर मैं अपने उपद्रव की बात करूं तो अगर आप एक पल के लिए भी अपनी बुद्धि से कंट्रोल खोते हैं तो मैं ऐसे ऐसे कांड आपसे करवा देता हूं जो रियलिटी में होती ही नहीं है, और बाद में आपके पास सिवाय पछताने के कुछ बच, जैसे किसी के बारे में आप कुछ भी अपने आप सोचने लगते हैं, और ऐसे ही टाइम का तो मैं इंतज़ार कर रहा होता हूं, और फिर आपके दिमाग में तरह तरह के गलत ख्याल भर देता हूं। लेकिन वहीं अगर आप मुझ पर कंट्रोल करते हैं, और उस केस में मैं आपके दिमाग में हर मुश्किल, हर परेशानी के हजारों सॉल्यूशन भर देता हूं। मेरी संरचना, चलो अब थोड़ा अपनी संरचना के बारे में बताता हूं, क्योंकि अब धीरे धीरे आपको लगने लगा है कि मुझे ना समझ के आप सच में अभी तक बीमार थे, जिस वजह से आपने लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं किया, या ऐसे कहूं कि आपने अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं जिया। अरे हाँ, एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, मैं अपनी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म के साथ आपकी नाभि में अदृश्य रूप में रहता हूँ। माँ के पेट में माँ के मन से और अपने मन से आप नाभि के जरिए ही तो जुड़े थे। तरंगों की भिन्नता के आधार पर मुझे 7 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसमें कुछ बहुत खतरनाक और उपद्रव मचाने वाले हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें अगर आप जान लें, समझ लें और उस पर कंट्रोल कर लें तो इस दुनिया के लोग आपको भगवान मानने लग जाएंगे। लेकिन सदियों में, युगों में कोई इक्का दुक्का ही ऐसा कर पाया है, तो क्या आप अपने मन यानी मुझे जानने के लिए तैयार हैं? मेरे उपद्रव मचाने वाले हिस्से, 1 कॉन्शियस माइंड, 2 सबकॉन्शियस माइंड, 3 अनकॉन्शियस माइंड। मेरे शक्तियों के केंद्र, 1 सुपर कॉन्शियस माइंड, 2 कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, 3 स्पॉन्टेनियस माइंड, 4 अल्टीमेट माइंड। आपके जीवन का फैसला इस बात से होता है कि आप कौन से मन में जीते हैं, किस मन को एक्टिवेट या सक्रिय कर पाते हैं। तो थोड़ा बच्चों के मन को समझने की कोशिश करते हैं। डीएनए और जीन्स की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है,
लेकिन वो सिर्फ शारीरिक बनावट और ब्रेन तक ही सीमित होते हैं। मैं सभी में एक समान रूप से रहता हूँ। बच्चे दो ही भाषा जानते हैं, एक प्रेम, दूसरा गुस्सा। और यकीन करो, ये संसार के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा हैं। अगर इसे थोड़ा आसान करके दुनियावी तरीके से समझाऊं, तो जब दो चीज़ मिलती हैं, यानी मिलन की ऊर्जा को प्रेम और टकराहट की ऊर्जा को गुस्सा कहते हैं। अगर आपको किसी में कोई परिवर्तन लाना होता है, तो बस यही दो ही तरीके हैं, या प्रेम से या गुस्से से। और ये आपको खुद पे ही लागू करना है, लेकिन दुर्भाग्य से अब यही दो भाव ही इंसान में गायब हो चुके हैं। देखो, जब बच्चे को कोई मनपसंद चीज़ मिल जाती है, तो वो उससे प्यार करने लगता है, और नहीं मिलती है तो गुस्सा। बस यही दो ही चीज़ थी। बच्चा ऊर्जा का पूरा भंडार लेकर पैदा हुआ था, लेकिन बड़े होते होते पूरा भंडार खाली हो जाता है, और फिर बाकी पूरी ज़िंदगी असफलताओं में जीता है। मतलब प्रेम और क्रोध दो ही संसार की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा हैं। जिस इंसान ने इन दो को खो दिया, वो ऊर्जाहीन हो गया। मैं बच्चों की बात कर रहा था। हर बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड लेकर पैदा होता है, यानी कि अगर उसे उसी में रहने दिया जाए और आगे बढ़ने के लिए सिर्फ प्रोत्साहित किया जाए, तो वो बच्चा बड़ा होकर कृष्णा, बुद्ध, एडिसन बन सकता है। लेकिन नहीं, प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसके ज़िद को कुचल दिया जाता है। उसे जात, धर्म और भगवान के बारे में बताया जाता है, अपने पराये में अंतर बताया जाता है। माँ बाप उसे वो बनने के लिए उकसाते हैं जो वो है ही नहीं, मतलब बेमतलब के उद्देश्य। और सबसे खतरनाक तो कंपैरिजन है। मैंने बताया था ना कि जीन्स और डीएनए की वजह से ब्रेन यानी बुद्धि में फ़र्क होता है। हर बच्चे में अलग अलग और अनंत टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन कंपैरिजन यानी तुलना करके बच्चे के टैलेंट को बचपन में ही कुचल दिया जाता है। और यहीं से बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आ जाता है, जो एक बेहद कमज़ोर होता है। यहाँ पे बच्चा बार बार डर और असुरक्षा में जीने लगता है। डर और असुरक्षा आते ही उसका उत्साह और ध्यान कमज़ोर होने लगता है। फुल आज़ादी में जी रहे बच्चे को अब स्कूल भेजा जाता है, फिर उसे अच्छे मार्क्स लाने के लिए डांटा और उकसाया जाता है। प्रेम का भूखा बच्चा इस माया जाल में फंस कर धीरे धीरे मुरझा जाता है। इसे उसकी ज़िद कमज़ोर हो जाती है, और फिर ज़िद कमज़ोर होते ही उसके लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऊर्जा को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये सब ने पढ़ा होगा। सिर्फ उसका रूप बदला जा सकता है। ठीक वैसे ही प्रेम नामक ऊर्जा धीरे धीरे हताशा, सहानुभूति, दया जैसी भावों में बदल जाती है, और यही सब मिलके सब कॉन्शियस माइंड बनाते हैं। मतलब बच्चे का प्रेम जितना दबता है, वो उतना ही भावुक हो जाता है। और दूसरी शक्तिशाली ऊर्जा यानी क्रोध, स्कूल के अनुशासन की वजह से दब के चिंता, डर, ईर्ष्या, व्यथा जैसे भावों में बदल जाता है, और ये सब मिलके अनकॉन्शियस माइंड का निर्माण करते हैं। अब थोड़ा सोचो कि अभी आप कहाँ हो। बाकी की कहानी तो आप जानते हैं कि स्कूल से निकलने के बाद क्या होता है। यही वजह है कि कोई मुझे जान नहीं पाता और पूरी ज़िंदगी अंधेरों में जीता है। साइंस कितनी तरक्की के बाद भी और धर्मों के इतने बढ़ जाने के बाद भी सफल लोगों की गिनती कितनी है? वही 4-5%। लेकिन अब टेंशन मत लो, मैं आपको मुझे समझने के राज बताऊंगा। पहले मुझे अच्छे से जान लो। जैसे कॉन्शियस माइंड फालतू की जानकारियां इकट्ठा करने से बनता है, और अनकॉन्शियस माइंड वो सब कॉन्शियस माइंड गुस्सा और प्रेम दबाने से बनता है। खैर छोड़ो ये सब, अभी तक मुझसे अनजान थे इसलिए ऐसे जी लिए। लेकिन अब ढंग से जीने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, अगर आपके जीवन के उद्देश्य के बारे में बताऊं, तो बस वो दो ही चीज़ हैं। पहला खुशी यानी प्रेम, और दूसरा सफलता यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसके अलावा फालतू कुछ मत सोचना। आपकी नासमझी की वजह से मेरे उपद्रवी स्वरूप आप में आते हैं, जो मैं बता भी चुका हूं। अब अपने शक्तियों के केंद्र पर कुछ चर्चा कर लूं। मेरी शक्तियों के मोटा मोटी 4 प्रमुख केंद्र हैं। 1, सुपर कॉन्शियस माइंड। आत्मविश्वास सुपर कॉन्शियस माइंड का स्वाभाविक गुण होता है, और जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि बच्चे जन्म से ही इसी मन में रहते हैं। जिस भी इंसान ने जीवन में जो भी बड़ी सफलताएं पाई हैं, वो इसी मन में रहकर ही पाई हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए आप थॉमस एडिसन और हेलन केलर की जीवनी को पढ़ सकते हैं। अब मुख्य बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि सफलता पाने के लिए ध्यान, उत्साह और आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन इसे एक्टिव कैसे करें? ये तभी संभव है जब आप मेरे सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर लेते हैं, और ये तब होगा जब आप मेरे पिछले बताए गए उपद्रवी माइंड को कमज़ोर बना देते हैं।
अगर खुद सुपर कॉन्शियस माइंड में नहीं आ सकते तो कम से कम अपने घर के बच्चों को तो उसमें ही रहने देना। नंबर 2, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। अब की बार मोदी सरकार, सबने ये डायलॉग तो सुना ही होगा। इस एक लाइन ने पूरे देश को एक इंसान के पीछे चलने पर मजबूर कर दिया था। यही तो मेरा ये वाला मन है जो हर किसी में कुछ ना कुछ एक्टिव होता ही है। जैसे कोई भी गाना रातों रात सबको पसंद आने लगता है और वो हिट हो जाता है। अगर आपने मेरे इस हिस्से को एक्टिव कर लिया तो आप लोगों की पसंद नापसंद या कहूँ कि लोगों की सोच तक का ठीक ठीक अंदाज़ा भी लगा सकते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दे सकता हूँ। इसी तरह कौन सी ऐड बनाई जाए जिससे ज़्यादा प्रोडक्ट बिके, कौन सी फिल्म बनाई जाए जिससे लोग देखें। कहने का मतलब है जिसका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड स्ट्रांगली एक्टिव हो जाता है वो किसी से कुछ भी करवा सकता है, और जिसका नहीं होता उसका जीवन भर शोषण होता है। कभी डर दिखा के, कभी लालच दिखा के, कभी देशभक्ति दिखा के, और हाँ, धर्म गुरु धर्म के नाम पे भी आपका अच्छे से शोषण करते हैं। सो अगर आप इस तमाम शोषणों से बचना चाहते हैं तो झूठे आश्वासनों के चक्कर में पड़ना बंद कर दें। अपने जीवन की संपूर्ण जवाबदारी स्वयं उठाएं, सहारे खोजना ही बंद कर दें। बस फिर आपके कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड स्ट्रांगली एक्टिव हो जाएगा। इससे आपका बेवजह बात बात पर दूसरों से प्रभावित होना भी बंद हो जाएगा, और जब किसी बात या इंसान से प्रभावित होंगे ही नहीं तो आपका शोषण खुद ही बंद हो जाएगा। अपने डिसीजन और पसंद में इंडिविजुअलिटी लाएं, यानी निजता लाएं। अपनी ज़रूरत को ठीक ठीक पहचानें और सामूहिक उपद्रव का हिस्सा बिल्कुल भी ना बने। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अंधभक्ति छोड़ दें। आपको पता ही नहीं है और आपका जम के शोषण और इस्तेमाल होता रहता है। नंबर 3, स्पॉन्टेनियस माइंड। जिसका ये मन एक्टिव हो जाता है वो सोचता नहीं है, वो अपने जीवन के सारे फैसले इसी माइंड से लेना शुरू कर देता है। ये माइंड उसे जो करने का सुझाव देता है वो वही करता है। फिर वो कोई फ़ायदा नुकसान या अच्छा बुरा नहीं सोचता। नहीं समझे ना? चलो समझाता हूँ। वो इंसान जो अपनी धुन और मस्ती में जीता है, उसे जो पसंद होता है वो वही करता है, और ऐसे जीने में एक दिन अचानक उसका पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी एक्टिव हो जाती है, जो उसके स्पॉन्टेनियस माइंड का ही हिस्सा होता है, जो अचानक उसके मनपसंद के किसी भी क्षेत्र में एक्टिव हो जाता है। अभी तक हम सिर्फ सफलता की बात कर रहे थे, लेकिन जिसका ये मन सक्रिय हो जाता है वो कुछ ऐसा कर जाता है जिसे आप इतिहास में पढ़ते हैं, यानी कि अपनी फील्ड में सबसे बेस्ट। कहते हैं जिंदगी चुनाव या निर्णयों का परिणाम है, लेकिन ये बुद्धि से सोच के लेने से नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज सारे सफल होते। निर्णय स्पॉन्टेनियस होते हैं, बस जो मन को सही लगे वो निर्णय लो और उस पर कभी पछतावा नहीं होना चाहिए। नंबर 4, अल्टीमेट माइंड। सोचो आपके चारों तरफ कितना उपद्रव मचा हुआ है। आपके अंदर मन और बुद्धि के अलग नाटक चल रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कोई तो है जो ये सब देख रहा है, कोई तो है जिसके पर्दे पे ये सारा नाटक चल रहा है। क्या कभी आपने इस तरह से सोचा है? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ऐसा सोचा होता तो आपका उद्धार हो चुका होता। चलो थोड़ा और आसान करता हूँ। थिएटर के पर्दे पर चलने वाली फिल्म कौन बनाता है? निश्चित ही प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर वगैरह, है ना? ठीक वैसे ही आपके जीवन की फिल्म बनाने वाले आपके मन बुद्धि और आपके परिवेश की बाह्य परिस्थितियाँ वगैरह हैं। जैसे प्रोड्यूसर की बनाई फिल्म किसी न किसी पर्दे पर चलती है, वैसे आपके मन और बुद्धि की बनाई फिल्म भी एक पर्दे पर चलती हैं, और वही पर्दा आपका अल्टीमेट माइंड है। थोड़ा और क्लियर करूँ तो वही पर्दा आप हो। एक तरह से यही आपका प्राण है। इसी के कारण ही मन बुद्धि दिल सब एक्टिव हैं। जो इसमें उतर गया उसने सब कुछ पा लिया। चलो मेरा औरों से क्या संबंध है इस बाबत कुछ बात कर ली जाए। सबसे पहले तो आपकी बॉडी से, अगर अपने बॉडी के किसी भी हिस्से के लिए मन में कोई गिल्ट हो तो उसे पॉजिटिव सोच के निकाल दो, क्योंकि अपनी बॉडी के बारे में जैसा आप गहराई में सोचते हैं वैसा ही मैं कर देता हूँ। अब अगर परिस्थितियों से संबंध की बात करूं तो बिल्कुल जिस देश, गांव या माहौल में आप पैदा होते हैं वैसा ही सोचने लगते हो, और परिणाम भी वही मिलता है। इसलिए आप सुपर कॉन्शियस माइंड में आ जाओ। अच्छा, मेरा और बुद्धि यानी ब्रेन का क्या संबंध है? कोई आइडिया है आपको? इस पर कभी डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी अगर एक लाइन में कहूं तो बस इतना समझ लो, जो सोचता है वो आपका बुद्धि है, और जो करता है
वो मैं यानी आपका मन हूँ। मतलब साफ है, अगर सही चीज़ सोचोगे और उस पर कंप्लीट यकीन करके काम करोगे तो मैं उसे हर हाल में कर दूंगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। याद है स्टार्ट में मैंने क्रोध और प्रेम की बात की थी? क्रोध को अब कभी अपने अंदर दबाना नहीं। अगर अंदर गुस्सा है तो उसे निकाल दो या भूल जाओ, या उसी टाइम निकाल दो, नहीं तो मैं बहुत भयंकर कांड करवा देता हूँ। आपके दबे क्रोध का फ़ायदा सबसे ज़्यादा धर्म गुरु और नेता उठाते हैं, खुद ही सोच के देख लो। रुको अच्छे से समझाता हूँ। आज़ादी से पहले इंडिया में हर बंदे का गुस्सा अंग्रेज़ों के लिए था, लेकिन वो निकाल नहीं पाया था। और जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ, पूरा दबा हुआ गुस्सा हिंदू मुस्लिम दंगों में निकल गया। अंग्रेज़ों ने जितने 200 साल में नहीं मारे थे, अंदर दबे हुए गुस्से ने 2 साल में मार दिए। एक और बात अभी कह देता हूँ, ये जो आप लोग सोशल मीडिया पे कभी बीजेपी के लिए कांग्रेस की बुराई करते हो, कभी कांग्रेस के लिए बीजेपी की, नोटिस किया आपने? वो पार्टियाँ आपका इस्तेमाल कर रही हैं। आज अभी इसी वक्त से करना बंद करो। किसी भी तरह की पॉलिटिकल पोस्ट को कम्प्लीटली इग्नोर कर दो। तो अगर आप फिर से सुपर कॉन्शियस माइंड में आना चाहते हैं तो शुरू से शुरुआत करो। जो भी आपकी कंडीशनिंग की गई है उसे खोजो और उसे धीरे धीरे ख़त्म कर दो। अब तक मैंने अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया, अब बस आपको दुखों को दूर करने का तरीका बता दूं और साथ ही सफलता कैसे पाई जाए उसके कुछ टेक्निक बता दूं। वर्तमान। आपके दुखी रहने का सबसे बड़ी वजह है आपका वर्तमान में ना रहना। जो बीत गया वो 2 कौड़ी का, और जो अभी आया ही नहीं उसके लिए हज़ारों सपने लिए बैठे हो। जो है नहीं उस पर क्या सोचना, वो भी बेकार है। मिला जुला के आपके पास बचा आज, मतलब अभी आज में जो आप काम कर रहे हो बस वही तो जीवन है। बस वही काम आप खुशी के साथ करते रहो। आप देखो कहाँ है दुख? दुख है क्या? या तो आज बीत गया उसमें कुछ नहीं हुआ उसके लिए है, या जो आने वाला है उसकी तैयारी में कमी है या डर है उसके लिए दुख है। व्यक्तित्व। इतना समझने के बाद एक और बात बताऊं, अक्सर क्या होता है कि दूसरों की बातों का हम पे बड़ा असर होता है, जिसकी वजह से कोई भी हमारा इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर लेता है। इसलिए अब से अगर आपको अपने व्यक्तित्व को सुपर कॉन्शियस माइंड में लाना है और सफलता के झंडे गाड़ने हैं और खुश रहना है, तो बुद्धि पे इस तरह काबू कर लो कि किसी के किसी भी बात का आप पे असर होना ही बंद हो जाए। ना तारीफ में खुश होना है और ना ही आलोचना में दुखी या गुस्सा होना है। बस जैसे हो वैसे रहो, बुद्ध बन जाओ। हीनता। एक और बात, ये तुलना करना बंद करो। आप दुनिया में अपने जैसे अकेले हो, फिर क्यों किसी से खुद की तुलना करके हीनता में या खुश फहमी में जीना। लगाव। इसके बाद आता है लगाव। अगर मैं कहूं कि आपके सारे दुखों का जो मुख्य कारण किसी न किसी चीज़ से लगाव या इन्वॉल्वमेंट है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। खुद सोच के देखो, अपने हर दुख के जड़ में जाके देखो, हैरान रह जाओगे। यहीं पे आपको प्रेम और लगाव के बीच में फ़र्क भी समझा देता हूँ। प्रेम में आप सामने वाले का भला चाहते हैं लेकिन उसे अपना नहीं मानते, और लगाव में भला तो चाहते हैं और उसे अपना ही मानने लगते हैं। यही अपना मानना ही दुखों की जड़ है, क्योंकि जिसे अपना मानते हैं जैसे उस पर आँच आई आप दुखी हो जाओगे। अपेक्षाएँ। हर इंसान खुद में कुछ ना कुछ बदलाव लाना चाहता है और उसे लगता है कि अकेले वो सब कुछ नहीं कर सकता। फिर यहीं से उसके जीवन में दूसरों से अपेक्षाएं बढ़नी स्टार्ट होती हैं। अपेक्षा जैसे जैसे बढ़ेगी, इन्वॉल्वमेंट या लगाव बढ़ता जाएगा, और मैं पहले ही समझा चुका हूं कि यही दुख का जड़ है। अब मैं अगर आपको डायरेक्टली ये कहूं कि किसी से अपेक्षा रखो ही मत, तो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले भी ये सब सुन रखा है। तो जैसे कोई डॉक्टर मर्ज के जड़ में जाके उसकी दवाई देता है, वैसे ही आपको इसके जड़ में जाना होगा। और मैंने डिस्कस भी कर लिया है कि जड़ है कहीं ना कहीं बदलाव। तो आपको करना यह है कि बिना किसी से अपेक्षा रखे जो भी बदलाव आप लाना चाहते हैं उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर अपने आप सभी से अपेक्षाएं खत्म हो जाएंगी। और ये बदलाव दूसरों में नहीं लाना है, खुद में लाना है। पहले खुद को जैसा हो वैसा स्वीकार कर लो। दुनिया जैसी है वैसा उसे स्वीकार लो। कभी ना बदलने वाले सत्य को स्वीकार लो, फिर देखना जादू सा हो जाएगा आपकी लाइफ में। दुख दूर करने के लिए सारे तरीके बता दिए मैंने, यानी कि जीवन को खुशी और सुकून से भर देने के लिए इतना काफ़ी से भी ज़्यादा काफ़ी है।
अब जीवन के दूसरे मकसद यानी सफलता की बात करते हैं कि उसे कैसे हासिल की जाए। इंटेलिजेंस यानी कि प्रज्ञा। समय और शक्ति सभी के पास लिमिटेड है, यहीं आप में और प्रकृति में फ़र्क है। 99% लोग अपनी समय और शक्ति दोनों का इस्तेमाल नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। अब सवाल है तो फिर समय और शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है भाई? उसके लिए मैं यानी मन और आपकी बुद्धि है ना, और हम ही तो आपको इस संपूर्ण प्रकृति में सबसे यूनिक बना देते हैं। आपकी बुद्धि जो कुछ क्षेत्र में लाख उपयोगी सही, बट समय और शक्ति का दुरुपयोग तो करवा ही देती है। लेकिन मैं यानी मन, मेरे तल पे इंटेलिजेंस नाम की वस्तु है जो सभी इंसान में समान है। मेरे तल पे कोई भेदभाव नहीं है और जिसका ध्यान सिर्फ समय और शक्ति बचाने की ही है। यहाँ से पहले एक चीज़ समझा दूँ कि ब्रिलियंस और इंटेलिजेंस में फ़र्क क्या है। देखो, ब्रिलियंट होना बुद्धि का काम है, लेकिन बुद्धिमान होना सफलता की गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंस हो गए तो गारंटीड सफल हो जाओगे। दोनों में फ़र्क समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। रामकृष्ण इंडिया के एक बहुत ही महान सन्यासी हुए हैं। एक बार एक दूसरा सन्यासी जो रामकृष्ण को नीचा दिखाने के लिए उनके पास आया और बोला, आप काफ़ी फोकट ज्ञान देते हैं, आपको कुछ नहीं आता। मुझे देखो, मैं 20 साल में कड़ी तपस्या करके पानी पे चलना सीख लिया है। रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, ठीक है, हमें भी यह कला दिखाओ। वो सन्यासी नदी पे सच में चल के वापस आ गया और बड़े ही अहंकार में बोला, देखा मेरी शक्ति, पूरे 20 साल का कमाल है। रामकृष्ण हंसने लगे और वो पास में खड़े नाव वाले से बोले, भाई, नदी घुमाने का नाव से कितना लोगे? उसने कहा, 2 पैसे। तो ये बोले, ठीक है, घुमा दो। और वो फिर घूम के आ गए। अब रामकृष्ण ने कहा कि 20 साल की अथक मेहनत के बाद सीखी भी तो 2 पैसे वाली कला। इंटेलिजेंस का मतलब है आपको पता है क्या करना है और कब करना सही है, बस उसी का इस्तेमाल करना है। और ब्रिलियंसी घमंड में आके आपका समय और शक्ति दोनों बर्बाद करवा देती है। जब और जितना जानना ज़रूरी हो बस उतना ही जानो। पूरी कहानी पढ़ने से अच्छा है बस उसका सार जान लो। क्रिएटिविटी। अगर मैं आपसे पूछूं, बिजली का बल्ब किसने बनाया? आप बोलेंगे कि एडिसन ने। मैं पूछूंगा, दूसरा किसने बनाया? अब आप बोलोगे कि नहीं पता। इसी तरह आप पूरा इतिहास उठा के देख लो, जिसने भी कुछ अलग किया, कुछ क्रिएटिव किया, वही इतिहास में अमर हो सका। जैसे बुद्ध ने हिंदू धर्म की सारी परंपराओं को तोड़ के बौद्ध धर्म बनाया, आज करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, सब बुद्ध को जानते हैं ना कि औरों को। तो सवाल यह है कि अगर आपको भी प्रकृति की इस क्रिएटिविटी की तरह खुद को क्रिएटिव बनाना है और सफलता के कदम चूमना है, तो आपको जो सबसे पहला काम करना है वो किसी और की कॉपी करना छोड़ना। आप बुद्ध जैसे कपड़े पहन के बुद्ध जैसे दिख सकते हैं लेकिन बुद्ध बन नहीं सकते। आप कृष्ण जैसे कपड़े पहन के कृष्ण तो दिख सकते हैं लेकिन बन नहीं सकते। आप माइकल जैक्सन जैसा डांस तो कर सकते हैं लेकिन माइकल जैक्सन बन नहीं सकते। बुद्ध की आखिरी बात थी, अपने दिए खुद बनो। मतलब वो खुद चाहते थे कि प्रकृति ने सभी को अनगिनत उपहार और शक्तियाँ दी हैं, उसका उपयोग करके कुछ ऐसा बन जाओ जैसा कि इस पूरी दुनिया में कोई और ना हो। कहने का मतलब है, महान लोगों की बातों को सुन के पॉजिटिव हो जाओ, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनसे प्रभावित होके उनकी कॉपी नहीं करनी है। कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपसे प्रभावित हो। अब अगर कृष्णा, जीसस, बुद्ध ने बल्ब, मोबाइल या फ़ोन नहीं बनाया तो क्या ये बन नहीं सकते थे? अगर ऐसा साइंस सोचती तो प्रगति ना रुक जाती? अपनी पसंद की फील्ड चुनो, उसमें डूब जाओ। उसमें कुछ बड़ा नहीं भी कर पाओगे तब भी दिल में खुशी और सुकून होगा, लेकिन किसी और फील्ड में सफल हो भी गए लेकिन माइंड में हमेशा एक बेचैनी सी बनी रहेगी। कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी ध्यान एक जादू है। एक ये गुण अपने अंदर विकसित कर लो, खुशी और सफलता की बुलंदी छूने से कोई रोक नहीं सकता। आपने सुना भी होगा और आपको यही सिखाया भी गया होगा कि आप फेल इसलिए होते हो क्योंकि आप उस पर्टिकुलर काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इससे पागलपन वाली बात और कुछ हो ही नहीं सकती। इसका सलूशन दूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में परिणाम आए? तो बात यह है कि कंसंट्रेशन हर इंसान का स्वाभाविक गुण होता है, वो आप में मौजूद है, आपको उसे कहीं लगाना नहीं है। आपको करना यह है कि जो काम आप करना चाहते हैं उसके अलावा बाकी जितने भी काम हैं उन्हें मन से हटा देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक बिग बाज़ार की लुभावनी ऐड देखी और झोला उठा के पहुँच गए,
सच में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वहाँ जाके ऐड और स्कीम देख के आपने 500 चीज़ ले ली। झोला आपका कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट्स समाज, धर्म, स्कूल और सोशल मीडिया हैं, जिन्होंने आपके दिमाग में बिना ज़रूरत की चीज़ें भर दी हैं। अब बैग में आपको एप्पल जूस निकालना तो वही तो निकलेगा नहीं, बाकी के प्रोडक्ट्स भी आएंगे। अब ज़रा सोचो, अगर बैग में सिर्फ एप्पल जूस ही हो तो क्या आप कुछ और निकलेगा? आपका ध्यान अपने आप एक ही चीज़ में रहेगा। एडिसन ने अपने काम में ध्यान लगाया नहीं था, वो प्रयोगशाला में घुसते ही बाकी सारी चीज़ों को बाहर कर देते थे। अब सवाल ये है कि बचपन से ही हमारी कंडीशनिंग ऐसी ही की गई है, 500 प्रोडक्ट्स हमारे अंदर भरे पड़े हैं, अपने आप हज़ारों चीज़ें हमारे अंदर हैं, तो उसे छुटकारा कैसे पाएँ, कैसे एडिसन जैसा कंसंट्रेशन हासिल करें? तो चलो ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऊर्जा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी समझना होगा। आपने सुना होगा कि सोर्स यानी स्रोत जितना सूक्ष्म और कंसंट्रेटेड होगा वो उतना ही शक्तिशाली होगा। ठीक वैसे ही ये आपके मन के केस में भी है। हिंदी में आपने इसे एकाग्रता के नाम से सुना होगा, मतलब सारी शक्ति एकाग्र हुई है। जिसमें एकाग्रता ज़्यादा होती है उसके चारों तरफ एक आभा मंडल बन जाता है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा एकाग्रता उतनी ज़्यादा ऑरा, मतलब आपको अपनी ऑरा को पावरफुल बनाना है। अब दूसरा सवाल ये है, ये ऊर्जा पाई कहाँ से जाए? इसके लिए सबसे पहले है व्यायाम। हर इंसान को हर दिन 1 घंटे व्यायाम करना चाहिए। दूसरा, एक अच्छी नींद, लेकिन सूरज के निकलते ही उठ जाना होगा, वरना ज़्यादा नींद लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरा, नियमित और संतुलित भोजन। सो आप अपनी आँख खुली रख, करियर, धर्म, समाज के नाम पे चलाए जा रहे इन गुरुत्वाकर्षण को पहचाने, जो जितना इन चक्रों से बच जाएगा उसकी ऊर्जा उतनी ही बढ़ती जाएगी और वो उतना ही मन की गहराइयों में उतरता चला जाएगा, और जितना मन की गहराइयों में उतरता चला जाएगा उसका कंसंट्रेशन उतना ही बढ़ता जाएगा। महत्वाकांक्षाएं घटाएं। कहते हैं आगे बढ़ना है तो बड़ी महत्वाकांक्षा रखो। गलत, ये बुद्धि का काम है और दुखी होने की वजह भी यही है। जितनी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं उतनी ज़्यादा असफलता। भाई मेरा तो यही नियम है, नहीं समझे? चलो खुद से सोचो, कौन बड़ा इंसान नहीं बनना चाहता, कौन अमीर नहीं बनना चाहता? बच्चों को तो बचपन से ही इन सब के लिए उकसाया जाता है, लेकिन कितने होते हैं जो वाकई में ऐसा कर पाते हैं? वही 1% ना। तो अब आपको जो भी महत्वाकांक्षाएं पकड़ाई गई हों या आपने खुद ही पाल रखी हों, उसे भूल जाओ और अपनी पसंद की किसी एक फील्ड में मास्टर बन जाओ। अभी में जियो, अभी जो कर रहे हो बस वही सोचो, वही करो, वही आपका कर्म है और वही आपका फल और वही आपकी खुशी भी है। आत्मविश्वास। ये तो आप सुनते ही आए होंगे कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है, बिना आत्मविश्वास के कोई बात नहीं बनती। लेकिन आत्मविश्वास है क्या, ये बहुत कम लोग जानते हैं। मन के अन्य गुणों की तरह यह भी इंसान का स्वाभाविक गुण होता है, इसे पाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। इंसान का अपनी काबिलियत और नियत पर पूर्ण विश्वास ही आत्मविश्वास है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सब जानते हैं बिजनेस करने में बहुत फ़ायदा है, फ़ायदा देखा नहीं कि आप चले गए MBA करने, टाइम, पैसा और ऊर्जा सब वेस्ट किया और एंड में हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि पसंद ही नहीं था बिजनेस करना, बस दूसरों के कहने पे आप चले गए बिजनेस करने। अब वहीं अगर आपका मन है बिजनेस में, प्रतिभा भी है, तो इस केस में आप बिना MBA के भी बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे। और यही वजह है कि अक्सर कंपनी के स्टाफ उसके मालिक से ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। मतलब अगर आपको अपनी काबिलियत पर विश्वास है, फिर आप वो काम पूरे आत्मविश्वास से कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है नीयत। अगर आपको लगता है कि ये काम करना आपके लिए सही है, चाहे भले ही लोग कुछ भी कहें, धर्म कुछ भी कहे, किताबों में कुछ भी लिखाओ, कर डालो। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपनी रुचि के काम चुनो जिसमें आपकी प्रतिभा भी है, फिर बिना कुछ सोचे उसी में पूरी कोशिश और लगन के साथ करते जाओ। संतोष। मैंने एक पूर्ण जीवन जीने के लिए आपको सब कुछ बता दिया, बस एक चीज़ रह गई और वो है सुकून। कहते हैं कि संतोषम परमम धनम, मतलब आप जहाँ पे हो, जैसे हो, हर हाल में संतोष करो। लेकिन तभी कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करने से तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, एक ही जगह पे रह जाओगे। और ऐसा बताने के लिए हज़ारों लोग हैं। YouTube तो ऐसे मोटिवेशनल चैनल्स और गुरु से भरा पड़ा है
जो एम्बिशन की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, जुनून की बात करते हैं, विज़न की बात करते हैं, ऐसा करने पे जो गुरु आपको ये सब बताते हैं, क्या लगता है आपको वो खुश हैं? उनकी अपनी ज़िंदगी में ही असंतोष, फ्रस्ट्रेशन, आगे बढ़ने की लालच, बेचैनी से भरी पड़ी है। मैं कहता हूँ ये सारा गेम बुद्धि ने खेला है, उसी ने सबको भटकाया है। जब मैं सुकून की बात करता हूँ तब कहता हूँ सुकून मतलब आप जहाँ हो, जिस हाल में हो, जो कुछ भी आपके पास है उसी में उस टाइम खुश रहो। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना काम नहीं करो, जो आप करना चाहते हो उसे पूरी मस्ती में करते रहो। जब आप सुकून में रहोगे, खुश रहोगे और आप अधापी से बचोगे, तब मैं रिलैक्स रहूँगा। फिर जैसे ही आपको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आप उसे ग्रैब करो और आगे बढ़ जाओ। वर्तमान में काम करो, उसमें संतुष्ट रहो और बढ़ते जाओ, नहीं तो एम्बिशन, विजन, गोल्स, इन सब के चक्करों में यह खूबसूरत ज़िंदगी हाथ से निकल जाएगी और अंत में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। तो मैंने इतनी लंबी कहानी सुना दी आपको, अगर इसको अंत में एक सार में बताऊं तो यह है कि मुझे और मेरे काम को अच्छे से समझ लो और जीवन के दो उद्देश्य, पहला खुशी और दूसरा सफलता को पूरा कर लो, आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। और जब आपके इस जीवन का अंत होने वाला होगा, तब आपके होठों पे मुस्कान और मन शांत और दिल में सुकून होगा कि वाह क्या ज़िंदगी थी, मज़ा आ गया। अरे हाँ, मेरा क्या, मैं तो मन हूँ, मैं सब में हूँ। हेलो दोस्तों, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक है। इस बुक में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसे आप पढ़कर मंत्रमुग्ध हो जाओगे। आपको सच में पता चलेगा कि लाइफ क्या है, कैसे लाइफ को जिया जाए। सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पूरी बुक पढ़ो, आपको पूरी बुक पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी और कोई बुक हो ही नहीं सकती। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और अंत में थैंक यू वेरी मच।